45 दिन बाद खुले बाजार। सरकार के आदेश के बाद आज डेढ़ महीने के बाद हल्द्वानी में हार्डवेयर, रेडीमेड कपड़े, बर्तन, साइकिल स्टोर, मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की दुकानें खुली, जिससे बाजारों में काफी चहल पहल दिखाई दी। लंबे अंतराल के बाद लोग घरों से जरूरतों का सामान खरीदने के लिए बाजार में दिखाई दिए और इस दौरान कई जगह पर अव्यवस्था भी देखने को मिली। लोग कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन करते नजर आए। इस दौरान पूरे बाजार की स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए जगह जगह के थाना और पुलिस भी घूमती नजर आई। गौरतलब है कि आज से राज्य में पांचवें चरण का कोविड कर्फ्यू शुरू हुआ है, जिसमें आज के दिन खाद पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा रेडीमेड दर्जी की दुकान सहित ड्राई क्लीनर्स, चश्मे की दुकान है और साइकिल स्टोर सहित कारपेंटर, फर्नीचर और टिम्बर मर्चेंट की दुकानें भी खुलने की परमिशन दी गई थी। नवभारत समाचार हल्द्वानी उत्तराखंड से आशा रावत की रिपोर्ट। आज ये करीब डेढ़ महीने बाद जो बाज़ार खुला है, इस वजह से थोड़ा व्यापारियों को थोड़ा राहत है और थोड़ा बहुत ग्राहकों की आवागमन हो रहा है, जिससे कि व्यापार आगे को चलने की थोड़ा बहुत उम्मीद है। आज 45 दिन बाद बाज़ार खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाज़ार खुलने के बाद कस्टमर को भी बड़ा अच्छापन लग रहा है, कस्टमर आ रहा है, सामान लेके जा रहा है, वरना तो कस्टमर परेशान हो रहा था। और हम तो ये चाहते हैं कि धीरे धीरे इसी तरीके से रोज़ बाज़ार खुले, चाहे चार चार घंटे के ही लिए खुले, इससे बाज़ार में भीड़ भी नहीं होगी और लोगों को भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी।